गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर रिवीजन ऑफ चैप्टर 7। चैप्टर 7 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपके क्या है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में बताया जा रहा है इसमें। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का आपको पहले भी बताया चैप्टर ये हो चुका है और इट्स वेरी सिंपल। ये बहुत सिंपल है चैप्टर ये। इसमें बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, इक्विवेलेंट करना है आपको, यानी तो देखिए कैसे क्या जाता है। जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको जैसे किसी भी फ्रैक्शन का दिया जाए तो आपको इक्वल करने के लिए जो नंबर किसी जिस नंबर से पे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए जैसे क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में आपको कैसे दिया गया है 1/2, इसका 1 है आपका 1/2। इसमें आपसे ये कहा गया है क्वेश्चन 1 में मल्टीप्लाइंग 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ गिवन फ्रैक्शन। जैसे 1/2 दिया गया है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 2 से न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो क्या आएगा 2 1 2 एंड 2 2 4, यानी 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 2/4। ठीक है, जैसे आप देखिए नंबर 2 देखिए 2/3 आपको दिया गया है। इसमें भी आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आया 2 2 4 एंड 2 3 6, यानी 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 4/6। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 में ये है। क्वेश्चन 2 में क्या, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 3 इन न्यूमरेटर। जैसे हमने इसमें 2 2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया है, ऐसे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये तो क्वेश्चन 1 था, अब ये क्वेश्चन 1 था ये और ये क्वेश्चन 2 है। तो इसमें आप देखिए फ्रैक्शन जैसे नंबर 1 इसमें है 1/4, तो 1/4 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से। तो देखिए क्या आएगा 3 1 3 एंड 3 4 12, इट मींस 1/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है 3/12। ओके नेक्स्ट फिर देखिए नंबर टू में है आपका जैसे 3/5, तो 3/5 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 3 3 9 एंड 3 5 15, ये हो गया। इस तरह से किया जाएगा। फिर है आपका क्वेश्चन थ्री में आपका कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग 2 3 4 रिस्पेक्टिवली। इसमें आपको बता दिया गया आपको 2 क्वेश्चन 1 में था 2 से ही मल्टीप्लाई करना था, 2 क्वेश्चन 2 में 3 से मल्टीप्लाई करने का। अब क्वेश्चन 3 में जो आपको दिया है 2 से भी मल्टीप्लाई करो, 3 से भी करो और 4 से भी करिए। तो देखिए क्वेश्चन 3 इसमें क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन 1 दे दिया इसमें 1/4, तो 1/4 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, 1/4 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर? तो क्या आया 2 1 2 एंड 2 4 8, इसमें 3 1 3 एंड 3 4 12, 4 1 4 एंड 4 4 16, इट मींस 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए 2/8, 3/12 एंड 4/16। क्लियर? तो ये इस तरह से किए जाएंगे। इसी तरह देखिए 2/3 का भी करके देख लीजिए, 2/3 का आप करेंगे, ये नंबर 2 क्वेश्चन है, तो इसमें फिर भाई 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिए 2 2 से, 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 से, तो इसका क्या आया 2 2 4 6 6 9 एंड फिर इसमें 2/3 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तो क्या आया 4 2 8 एंड 4 3 12, यानी 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हुए 4/6, 6/9 एंड 8/12। तो ये इस तरह से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड किए जाते हैं।
फिर देखिए क्वेश्चन फोर में क्या है, शेड करना है आपको। फ्रैक्शन दिया गया है और उसको शेड करना है उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन फोर में शेड द पार्ट ऑफ गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको इसमें क्वेश्चन फोर में फिगर दिए हैं, इसमें इस तरह से दिया है रेक्टेंगल, इसके थ्री पार्ट्स हैं, फिर 1/3 इज इक्वल, फिर इसमें है सिक्स पार्ट, इसका है 2/6, ठीक है। इसी तरह फिर दूसरा है आपका इसमें 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 1/5 है इक्विवेलेंट, पार्ट्स। फिर इसमें यहाँ है 3/15। अब आपको इसमें शेड करना है, शेड द पार्ट ऑफ गिवन इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कुछ भी नहीं है, आपको हमेशा बस ध्यान रखना है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, जिस पार्ट को हमें शेड करना है, डिनोमिनेटर टोटल पार्ट्स। इसमें देखिए जैसे इसमें क्या है डिनोमिनेटर 3, यानी इसके देखिए 3 पार्ट्स हैं, 1/3 यानी 1 पार्ट शेडेड करना है। इसमें 2/6 6 पार्ट हैं और उसमें से 2 पार्ट्स को शेड, कोई से भी 2 पार्ट शेडेड कीजिए। 1/5 यानी 5 पार्ट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और उसमें से 1 पार्ट को शेडेड करना है। 3/15 यानी 15 पार्ट्स हैं ये, उसमें से 3 पार्ट्स को शेडेड करना है। तो देखिए 1 पार्ट तो 1 पार्ट कोई सा भी ले लीजिए शेडेड करेंगे, 2 पार्ट्स तो 2 पार्ट्स कोई सा भी शेडेड कर दीजिए, 1 पार्ट तो 1 पार्ट इसमें कोई से भी कर दीजिए, 3/5 यानी 3 पार्ट्स कोई से भी कर सकते हैं, एनी पार्ट मैंने ये कर दिया, आप चाहे वो दूसरे भी कर सकते हैं, ओके। लेकिन शेडेड आप प्रॉपर करेंगे, आप थोड़ा सा अनटाइडी वर्क कर रहे हैं बच्चे आप लोग, इसको पूरा अच्छे से कवर करना है। जैसे ये ना अच्छे से पूरा कवर कीजिए, आप कलर यूज कीजिए चाहे पेंसिल से शेडिंग कीजिए, लेकिन पूरा जैसे ये फिल किया ना इस तरह से फिल किया करना है आपको। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, इसमें आपको फिल करना है। जैसे आपने यहाँ नंबर 1 दिया है, 1 × 3/3 इज इक्वल, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो इसमें आपको कुछ भी नहीं, इसमें तो क्लियर दिख रहा है 3 × 3 = 9, तो 3 × 1 = 3, ओके। नंबर 2 इसमें क्या है, 2/5 इज इक्वल, अब ये आपको इधर दे दिया 15। आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको करने का तरीका यही है जो आपको गिवन है। जैसे इसमें देखिए डिनोमिनेटर गिवन है दिया हुआ, डिनोमिनेटर दोनों में दिया हुआ है, तो आप देखिए इसके टेबल में 5 की टेबल में 15 कहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे आप डिवाइड करके 3/5 = 15 ब्रैकेट में कर दीजिए, यानी 5। इट मींस क्या करना है हमें, 2/5 लिखिए, 3 और 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये देखिए 3/5 = 15 तो है ही, और ये क्या आ जाएगा 6। इट मींस यहाँ पे क्या आया 6। और देखिए नंबर 3, नंबर 3 में आपको क्या गिवन है, 5/ ये ब्लैंक है इज इक्वल 15/9। अब देखिए इसमें न्यूमरेटर दिया हुआ है, न्यूमरेटर गिवन है, तो यहाँ पे क्या आएगा आप देखिए, तो क्या करना है हमें, इससे डिवाइड कीजिए, 15 को डिवाइड किया 5 से तो क्या आया 3, यानी 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आया है। तो क्या करें हम, यहाँ पर 15 को डिवाइड किया है 5 से तो क्या आया 3, इसी तरह से 3 से डिवाइड कीजिए इसको भी तो क्या आएगा यहाँ पर 9/3 = 3। इट मींस यहाँ क्या आएगा 5/3 = 15/9, ओके। नेक्स्ट 4 है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 3/4 = 18/ ये ब्लैंक है, बॉक्स दिया हुआ है, अब यहाँ क्या आएगा
तो देखिए यहाँ पे 18 को डिवाइड कीजिए 3 से, जो गिवन है ना क्या आया 6, इट मींस 3/4 को मल्टीप्लाई करना है हमें 6 से, तो क्या आया 18 और ये क्या आया 24, इट मींस यहाँ पे क्या आएगा 24 आएगा। तो ये इस तरह से ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे रिवीजन, ठीक है। तो आज आपका इतना ही काफी है, इसको आप लेकिन अच्छे से रिवाइज करिए। आपका होमवर्क क्या है, डू क्वेश्चन 1 to 5 ऑफ एक्सरसाइज 7 इन नोटबुक, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।